गुड गुड इवनिंग एवरीबॉडी चलिए ठीक है शुड बी स्टार्ट विद टूडेज क्लास यस बिजनेस करिस्पोंडेंट्स चैप्टर नंबर थ्री से हम लोगों ने शुरुआत की थी कल हम लोगों ने थोड़ा कुछ पढ़ा था आज एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद वील मूव फॉरवर्ड यस यस अच्छा वॉइस लो आ रहा है जस्ट वन सेकेंड क्योंकि मैंने माइक चालू तो कर दिया है पर दूर रखा है अभी अच्छे से आ रही आवाज बताना एक बार एम आई ऑडिबल नाउ अभी आई थिंक आई एल बी एबल टू हर हर महादेव ओके 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 माइक लगाना भूल गए थे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होते रहती है है ना जय श्री राम गुड इवनिंग <coughs>

डी भी नहीं चलेगा पूरा का पूरा डिसम्बर लिखना पड़ेगा अगर स्पेलिंग नहीं आती है तो फिर लर्न कर लो यार टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ऐसा वो भी पूरा ईयर लिखना पड़ेगा सिर्फ ट्वेंटी थ्री लिखने से नहीं चलेगा फिर हमने स्पेशल मार्किंग्स देखा था जो भी ऑनवल के ऊपर कॉन्फिडेंशियल रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट सब लिखा होता है उससे स्पेशल मार्किंग कहा जाता है इन एड्रेस उसके नीचे लिखा जाता है अटेंशन लाइन हमने देखा था कि अगर हमें चाहिए कि ये एक पर्टिकुलर पर्सन को ये लेटर मिले तो हम उसका नाम ऐसे लिखते हैं फॉर द अटेंशन ऑफ मिस्टर उसके बाद सैल्यूटेशन था, मतलब कि सर या फिर डियर मैडम सब्जेक्ट में हम लोग लिखते हैं कि क्यों हमने ये लेटर लिखा है, की होती है, जहां पे हम लोग इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तीनों पैराग्राफ देते हैं और फिर करते है, जैसे कि यौस यौस ऐसे मतलब लेटर भेजा है उन लोगों का नाम और अगर और कोई डॉक्यूमेंट आपने अटैच किया हुआ है तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं एट द एंड ऑफ द लेटर

नेगेटिव मैसेज जहाँ आप नेगेटिवली रिएक्ट करोगे परजुएसिव मैसेज जहाँ आपको थोड़े से एनकरेजमेंट की ज़रूरत है अगर मुझे चाहिए कि आप मेरे अकॉर्डिंग ही बिहेव करो जैसा मैंने कहा है वैसा करो तो मुझे आपको एक चॉकलेट भी तो देनी पड़ेगी ना ऐसे मैसेजेस को पर्सुएसिव मैसेजेस कहा जाता है और बिजनेस मैसेज तो कोई भी मैसेज जो आप बिजनेस के लिए करते हो दैट इज बिजनेस मैसेज यस सो आर वी क्लियर अंटिल हियर शुड वी स्टार्ट विथ टुडे टॉपिक दैट इज बिजनेस रिपोर्ट्स यस एवरीवन आर वी गुड टू गो आर वी गुड टू गो यू गाइस यस यस चलिए ठीक है so let's start with today's topic that is business report yes everyone what is a business report अभी भी voice कम आ रही है क्या एक बार बताना जरा chat box में am I not audible clearly ऑल राइट ऑल राइट ऑडिबल हूं ना चलिए ठीक है वट इज अ बिजनेस रिपोर्ट बिजनेस रिपोर्ट ये टॉपिक पे हम लोग आ चुके हैं रिपोर्ट का मतलब क्या है दीदी -दी, हमें तो एक ही रिपोर्ट पता है जो रिजल्ट डे के दिन रिपोर्ट कार्ड हमें मिलता था वो तो आपके रिपोर्ट कार्ड में बेसिकली क्या देते थे वो आपको बेटा आप ये सब्जेक्ट में फेल हुए हो बेटा ये सब्जेक्ट में आपने टॉप किया है और ये सब्जेक्ट को तो आपको भूल ही जाना चाहिए क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नहीं आता है दैट इज अ रिपोर्ट कार्ड पिछले जितना भी टाइम था उसमें हमने कैसा परफॉर्म किया है उसका वो रिपोर्ट कार्ड रहता था राइट right? सेम जैसे आपके स्कूल टाइम्स में वो रिपोर्ट कार्ड था सेम वैसे ही बिजनेस के अंदर भी तो रिपोर्ट होगा जिससे हमें ये पता चले कि बिजनेस कैसा ग्रो कर रहा है कितना ग्रो कर रहा है क्या चल रहा है बिजनेस में तो जब भी कोई चीज़ ऐसी होती है सपोज मैं आती हूँ यूरोप घूम के ठीक है और मैं आप में से सौ लोगों को लेके जाती हूँ यूरोप अब ऑब्वियसली सौ ऐसे भी लोग होंगे जो नहीं चले जिनको लेट पता चला ब्ला 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 यस तो हम लोग क्या करते हैं हम सब सौ लोग मतलब हम सब जो आज क्लास अटेंड कर रहे हैं जितने भी आज क्लास अटेंड कर रहे हैं मैं सबको यूरोप लेकर जा रही हूँ ठीक है <coughs> लेकर मैं जा रही हूँ स्पॉन्सर आप ही कर रहे हो ठीक है ना चलिए तो जो भी लोग नहीं आते हैं जो भी लोग नहीं आते हैं वो ट्रिप में उनके लिए ना हम एक रिपोर्ट बनाते हैं कि हमने क्या किया कितने बजे हम उठे थे कहां गए थे यस और नो तो जो भी वहां प्रेजेंट नहीं था अगर उन्होंने वो रिपोर्ट देख ली ना उनको पता चल जाएगा हम लोगों ने कितनी मजा की येस तो व्हाट इज अ रिपोर्ट जो चीजें हो गई है इन द पास्ट उसको हम लोग एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख रहे हैं सो दैट जो लोग प्रेजेंट नहीं थे वो लोग ये रिपोर्ट पढ़ के पता कर सके कि क्या क्या हुआ था यस यस और नो ओके सो द वर्ड रिपोर्ट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड रिपोर्टर इट्स डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्या लैटिन वर्ड है रिपोर्टर विच मीन्स टू कैरी बैक रिपोर्टर का क्या मतलब है टू कैरी बैक यस सो अ रिपोर्ट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट कैरीड बैक टू समन हुज नॉट प्रेजेंट ऑन द सीन जो सीन पे प्रेजेंट नहीं था उसकी सा, उसके लिए सारी चीजें डिटेल में जो भी सब अभी तक हुआ है वो सब वो रिपोर्ट के अंदर लिखा जाता है यस yes? अब क्योंकि हम बिज़नेस रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो अलग अलग टाइप की बिजनेस कैटेगरी बिजनेस रिपोर्ट की कैटेगरीज है जो कि हमें ही बनानी पड़ती है जैसे कि कम्प्लायंस रिपोर्ट ये कंपनी सेक्रेटरी बनाते हैं इसमें ये लिखा हुआ होता है कि ये क्वार्टर ये हाफ ईयर या ये साल में हम लोगों ने सारे लॉस फॉलो किए या नहीं ये कम्पलायंस रिपोर्ट में लिखा जाता है कि डिड वी कंप्लाई विथ ऑल द कंप्लायंसिस विथ ऑल द लॉस ये हम ये रिपोर्ट में लिखते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट दिस इज ऑल्सो रिपोर्ट

एक ऐसी शॉर्ट सी समरी होती है अरे हम जैसे लोगों के लिए ये समरी लिखी जाती है यार हम लोगों को तीस चालीस पेजेस वो भी बिना कोई फोटो वो भी ब्लैक एंड वाइट में पढ़ने की मजा आएगी क्या बिल्कुल नहीं आएगी तो हम क्या करते हैं हम स्टार्टिंग स्टार्टिंग के थोड़े पेजेस देख लेते हैं तो स्टार्टिंग के पेज में ना एग्जैकटिव समरी लिखी जाती है जितनी भी बातें पूरे रिपोर्ट के अंदर हुई है उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये एग्जेकटिव समरी में शॉर्ट में एकदम ब्रीफ में लिखी जाती है येस yes? जो दूसरा है दैट इज़ बॉडी अब यहाँ पर पूरी पंचायती लिखी जाती है हर एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन की जाती है पहले कैसा था अभी कैसा था अभी क्या होने वाला है सारी चीज़ें लिखते हैं की फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन यूजुअली सजेशंस होते हैं दीज द थर्ड पार्ट ये तीसरा पार्ट है ये रिपोर्ट का इसके अंदर क्या दिए जाते हैं सजेशंस दिए जाते हैं रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ ये पूरे साल में इतने हम लोगों ने ये किए हैं ये सारी चीज़ें उसमें दी जाती है और लास्ट में आता है कंक्लूजन कंक्लूजन तो आपको पता ही है रिपोर्ट को एंड करते हैं विद अ कंक्लूजन येस सो दीज आर द फोर एलिमेंट्स ऑफ एनी रिपोर्ट आप ये चार एलिमेंट्स को ध्यान में रख के रिपोर्ट ड्राफ्ट कर सकते हैं ऑल राइट अब ये तो हमने बिजनेस रिपोर्ट की बात कर ली लेकिन आपको पता होगा कि कंपनी के अंदर बहुत सारा कम्युनिकेशन होता है डेली बेसिस पे अब लेकिन कुछ कम्युनिकेशन का प्रूफ रहता है कुछ कम्युनिकेशन का नहीं रहता तो जो ऐसी सारे बातें हैं ऐसी सारी जो चीजें हैं जो कंपनी के अंदर के लोगों के बीच में हो रही है वो या तो इंटर डिपार्टमेंटल होती है या तो इंट्रा डिपार्टमेंटल इंटर डिपार्टमेंटल का मतलब है दो अलग अलग डिपार्टमेंट है कंपनी के अंदर एक है सी एस डिपार्टमेंट दूसरा है सी ए डिपार्टमेंट और हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं सो दिस इज कॉल्ड एज इंटर डिपार्टमेंटल दो डिपार्टमेंट्स के बीच में और एक है इंट्रा डिपार्टमेंटल ये कंपनी के अंदर ये सी एस डिपार्टमेंट में है मैं भी सीएस डिपार्टमेंट की हूं और साथ साथ में ही <coughs> साथ साथ में ही कुमकुम नीरोशन रोशन ले लेते रोशन साथ साथ में जो रोशन होते हैं वो भी सीएस डिपार्टमेंट में होते हैं ठीक है और हम दोनों आपस में बात करते हम लोग सेम डिपार्टमेंट के हैं तो इसे इंट्रा डिपार्टमेंट कहा जाता है क्या कहा जाता है इंट्रा डिपार्टमेंट यस दो डिपार्टमेंट्स के बीच दैट इज इंटर डिपार्टमेंट और एक ही डिपार्टमेंट के अंदर के लोग जब आपस में बात करते हैं उसे इंट्रा डिपार्टमेंट कहा जाता है बट ये दोनों ही केसेस में बात तो अल्टीमेटली कंपनी के अंदर वाले लोग कर रहे हैं ना तो अरे कंपनी के अंदर अगर कभी ऐसे हुआ कि अरे मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं लेकिन आपने तो ऐसा कहा था और ऐसे डिस्प्यूट हो गए तो हम क्या करेंगे तो इसीलिए कुछ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी के अंदर के लोगों के लिए बनाए गए हैं जिसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है क्या नाम है ये डॉक्यूमेंट का जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे द नेम ऑफ़ द डॉक्यूमेंट इज मेमो रैंडम ये सबसे ज्यादा कॉमन और वेरी ईजी टू यू नो राइट एनी थिंग ऐसा वाला ये डॉक्यूमेंट है अभी कोई भी डॉक्यूमेंट को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यह कौन सा है उसके ऊपर लिखा होता है मेमो रैंडम ठीक है ये हेडिंग दिया हुआ रहता है अब दीदी लेटर्स तो हमने ऊपर देखा था तो लेटर्स में और ये मेमोरैंडम में फ़र्क क्या है यहाँ हमने ऊपर लेटर्स देखा था ना याद है ना आपको तो वो मेमोरेंडम और वो जो लेटर हमने देखा था उसमें क्या फर्क है हमें ना मेमोरेंडम लिखने के लिए कुछ भी सैल्यूटेशन नहीं लिखना कोई कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नहीं लिखना ना तो डियर सर डियर मैडम लिखना है लिखना है ना ही योर सिंसियरली योर फेथफुली ऐसा कुछ लिखना है आप इनफॉर्मल टोन भी यूज कर सकते हो जरूरी नहीं है कि फॉर्मली हो जाओ पूरा अरे नंबरिंग करना भी ऑप्शनल है रेफरेंस नंबर भी देना है तो दे दो नहीं तो रहने दो और जो रूटीन नेचर की बातें हैं, जो रूटीन नेचर टाइप की इंफॉर्मेशन है यूजुअली हम लोग उस चीज के लिए मेमोरेंडम को यूज करते हैं लिख लो यहाँ पर किस चीज के लिए मेमोरेंडम का यूज होता है जो भी ऐसी चीज़ें होती है जो रूटीन नेचर की है सो so, उसके लिए हम लोग मेमोरेंडम यूज़ करते हैं साथ में मेमोरेंडम को आप इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन या फिर ऑफिस मेमोरेंडम या फिर इंटर ऑफिस करस्पॉन्डेंस भी कह सकते हो दीज आर जस्ट द नेम्स ऑफ मेमोरेंडम वॉट आर दे इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन ऑफिस मेमोरेंडम और इंटर ऑफिस करस्पॉन्डेंस यस ओके अभी जो दूसरा है ना जो दूसरा डॉक्यूमेंट है दैट इज कॉल्ड एज ऑफिस सर्क्यूलर जल्दी से बता दो क्या बुलाते हैं इसको ये डॉक्यूमेंट को क्या बुलाते हैं इट्स कॉल्ड एज ऑफिस सर्क्यूलर इन द चार्टॉक्स एवरी वन ऑफिस सर्क्यूलर यस वेरी गुड ऑफिस सर्क्यूलर क्या है नाम से ही पता चलता है क्या लिखा है यहां सर्क्यूलर जब हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को बतानी है मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है ना ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है ना मुझे चाहिए है कि यही सेम डॉक्यूमेंट कुमकुम के पास भी हो रोशन के पास भी हो लोगन के पास भी हो अंशिका ऋषिका रिचिश का नंदिनी नश नशरा आरजू बीबी ऐशा श्रुति इन सबके पास ये डॉक्यूमेंट हो सबको ये डॉक्यूमेंट मिल मिल जाना चाहिए उनको पता चल जाना चाहिए कि इसके अंदर क्या लिखा था एकता को भी मिलना चाहिए रॉबर्ट को भी मिलना चाहिए निर्वाण नीरव को भी मिलना चाहिए अश्वानी अश्विनी होना चाहिए ना अश्विनी को भी मिलना चाहिए यूजर को भी मिलना चाहिए आसफिया को भी मिलना चाहिए वदूत हुसैनी प्रगति गेमिंग विजन सबको मिलना चाहिए ये डॉक्यूमेंट अभी ये तो बहुत सारे लोग हो गए पर दीदी इतने सारे आप ऑफिस सर्कुलर बनाओगे क्या ये तो 20-25 ऑफिस सर्कुलर आपको बनाने पड़ जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट एक ही होता है लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयज तक हम इसको क्या करते हैं सर्कुलेट करते हैं यू गाइस वी सर्कुलेट दिस डॉक्यूमेंट सो ऑफिस सर्कुलर्स आर फॉर डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज विद इन द कंपनी क्योंकि एक इंटरनल कम्युनिकेशन है क्योंकि ये कंपनी के अंदर का कम्युनिकेशन है तो सैल्यूटेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है डियर सर डियर मैम कुछ लिखने की जरूरत नहीं है योर योर फेथफुली भी नहीं लिखोगे तो चलेगा जो भी काम की बात है बस वो लिख लो डेट सब में मैंडेटरी होता है ठीक है डेट चारों भी डॉक्यूमेंट्स जो आज हम पढ़ने वाले सब में मैंडेटरी होता है लेकिन डियर सर डियर मैडम की फॉर्मेलिटी खत्म करते हैं यस yes? रिचिश का काफी नाम है आपका ऐसा लगता है Richi और कुछ तो शाह वाला कुछ ऐसा मिक्स कर दिया है ओके सो is इज circular? हमें क्या याद रखना है जो कीवर्ड है वो क्या है कीवर्ड ऑफिस सर्कुलर्स आर फॉर डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ एंप्लॉज बहुत सारे लोगों को बहुत सारे एंप्लॉइज को जब सेम इंफॉर्मेशन आपको देनी है तो उसे ऑफिस सर्कुलर कहा जाता है बहुत सारे लोगों को हम लोग क्या दे रहे हैं सेम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ऑल राइट तो उसे क्या कहेंगे हम लोग ऑफिस सर्कुलर तीसरा डॉक्यूमेंट है ऑफिस ऑर्डर अब यहाँ नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है ये तो ऑर्डर है ऑर्डर को क्या करना पड़ता है सुनना ही पड़ता है ऑर्डर कौन देता है जो हमारे ऊपर वाले लोग होते हैं अच्छा क्या ऑर्डर अगर हमें कोई दे रहा है तो हमारे कोई पोजीशन में फर्क पड़ेगा क्या अरे बिल्कुल पड़ेगा हमारे राइट्स या प्रेवलिजेस के बारे में भी तो ये ऑर्डर हो सकता है और क्योंकि एक ऑर्डर है तो फॉलो तो करना ही पड़ेगा सो ऑफिस ऑर्डर्स हैव सिमिलर फॉर्मेट टू दैट ऑफ मेमोरेंडम व्हाट मेक्स देम डिफरेंट इज द पर्पस और टोन एम्प्लॉयड दे जनरली डील विथ मैटर्स अफेक्टिंग राइट्स एंड प्रिवलेजेस ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज के राइट्स और प्रिवलेजेस के बारे में ये ऑफिस ऑर्डर्स बात करते हैं यस yes, तो हम ऑफिस ऑर्डर्स को कैसे याद रखेंगे दीज आर सबसे पहली बात तो ऑर्डर है ऑर्डर ऑर्डर मतलब बात तो माननी ही पड़ेगी और ये किस पे बात करता है राइट्स और प्रिविलेजेस के बारे में बात करता है एम्प्लॉयज के यस इट टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ द एम्प्लॉज सो इसे इसीलिए क्या कहा जाता है ऑफिस ऑर्डर कहा जाता है और इसका जो लैंग्वेज है ना यू गाइस एकदम फॉर्मल होता है यहाँ पे आप कुछ भी ऐसा ये नहीं कर सकते तो एकदम फॉर्मली लिखा जाता है और लीगली लिखा जाता है पूरे तौर तरीकों से लिखा जाता है क्यों क्योंकि एक ऑर्डर है यस ओके एंड द फोर्थ डॉक्यूमेंट इज ऑफिस नोट्स नाउ व्हाट इज ऑफिस नोट्स ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट एक दूसरे के बीच एक्सचेंज करते हैं जैसे आप लोग ऐसी नोट्स एक्सचेंज करते हो चिट्ठियाँ यू you नो know, कि आज आप ना इतने बजे आ जाना ये डॉक्यूमेंट मुझे इतने बजे तक चाहिए है इसका काम इतने बजे तक हो जाना चाहिए ये जो सारी रूटीन नेचर की बात होती है जो चिल्लर वाली बात होती है ये सारी हम ऑफिस नोट्स में करते हैं ये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं होते हैं ये यूजअली दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में एक्सचेंज होते हैं इसका कोई फॉर्मेट भी नहीं होता हर कंपनी का अलग अलग फॉर्मेट होता है जिसको जैसे लिख रहे हैं वो लिख सकता है हर कंपनी का अलग होता है अच्छा हर एक कंपनी का अलग होगा क्या दीदी येस बिकॉज दे डू इट अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ सो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया आए कि कैसे दिखते हैं ऑफिस नोट्स और फिर वगैरह सब चीजें सो दिस इज अफिस ऑर्डर ये लेटर हेड के ऊपर ही है डेट यहाँ पर मैंडेटरी है रेफरेंस नंबर भी दिया हुआ है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैज बिन प्लीज टू अपॉइंट फुल चंद अकाउंट्स ऑफिसर एज लिंक ऑफिसर ऑफ दिस दिस पर्सन टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज इंक्लूडिंग साइनिंग ऑफ चेक्स और फिर उनका सिग्नेचर है यस yes? ये था ऑफिस ऑर्डर कि आपको ऐसा करना है वन सेकेंड सर्क्यूलर देख लेते अभी एक दिस इज अ सर्क्यूलर एक कॉलेज का सर्क्यूलर है You guys, ये सारे जो documents है ना ये आपको पब्लिकली अवेलेबल नहीं दिखेंगे जैसे कल हम लोगों ने सोलार का देखा था नहीं सोलार का नहीं देखा था कल हम लोगों ने टाटा का देखा था फिर और एक हम लोगों ने कौन सा देखा था आई थिंक इन्फोसिस देखा था राइट उन लोगों के हमको डॉक्यूमेंट्स इसीलिए दिख रहे थे क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है लेकिन क्योंकि ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है ये इंटरनल डॉक्यूमेंट्स है ये कंपनी के अंदर के डॉक्यूमेंट्स है इसीलिए ये यूजुअली पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है जैसे यहाँ पर एक सर्कुलर दिया हुआ है कि ये इन्फॉर्म करने के लिए कि हम लोगों ने कोई तो सत्संग रखा है तो सब लोगों को आना है इतने बजे से इतने बजे तक सबको ये इन्विटेशन है सबको आना है ऐसा सो दिस इज अ सर्कुलर यस और एक ऑफिस मेमोरेंडम भी देख लेते हैं ये देखिए यहां पर हेडिंग दिया हुआ है ऑफिस मेमोरेंडम क्योंकि हमें ये ये चीज़ चाहिए ऐसा ऐसा चाहिए इसीलिए हम लोग ये ऑफिस मेमोरेंडम लिख रहे हैं इमीडिएट डिसेमिनेशन ऑफ दिस मेमोरेंडम इज डिरेक्टेड यस ऑल राइट आवी डन आवी गुड टू गो एक बार मुझे बॉक्स में बता देंगे आप लोग Are we good to go? Everyone? Hai, theek hai. Moving forward to a topic that is called as MIS Management Information System. अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन यहां पर आप कंफ्यूज भी हो सकते हो तो जितनी चीजें सिर्फ मैं आपको बताऊंगी आपको सिर्फ उतनी ही चीजें याद रखनी है एंड यू विल बी गुड टू गो ठीक है ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है जितना दीदी ने बताया है उतना आपको लिख लेना है और उतना ही आपके पेपर में भी पूछेंगे इसकी गारंटी किसकी है ओके चलिए लेट स्टार्ट विथ एम आई एस एम आई एस का फुल फॉर्म है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम्स क्या है फुल फॉर्म मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एम आई एस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जल्दी से बॉक्स में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स अभी क्या होता था पहले के टाइम में ना जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते थे अभी जो ऊपर सब हम पढ़ रहे हैं इतने सारे पेपर्स पेपर्स इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे ना फाइल रखने के लिए जगह नहीं होती थी गोडाउन के गोडाउन बस फाइल से भरे रहते थे यस बस ये कुछ टाइम पहले की बात है जब लिटरली फाइल रूम्स हुआ करते हैं और वो फाइल रूम्स के अंदर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं इतनी सारी फाइल्स होती है बट क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ चुका है तो इसीलिए लिए एम इंट्रोड्यूस हुआ एम क्या करता है जितना भी सारा डेटा स्टोर्ड है ना चाहे आपकी कंपनी पचास साल पुरानी हो चाहे आपकी कंपनी सौ साल पुरानी हो जितने डॉक्यूमेंट्स है आपको बस उसके अंदर क्या कर लेने हैं सेव कर लेने हैं और वो डॉक्यूमेंट्स एक बार सेव हो गए तो आप उनको बोलोगे कि अरे हमको ना पिछले दस साल कितना सेल्स हुआ है उसका रिपोर्ट देखना है तो एम क्या करता है उसके डेटा के अंदर से जो भी पिछले दस साल का डेटा है वो आपको निकाल कर प्रोसेस कर कर एग्जैक्टली exactly, एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा रिपोर्ट बना के दे देगा वाह दीदी वाह क्या बात है तो एम क्या करता है उनके अंदर जितना भी डेटा है ना उसको अगड़म बगड़म तिगड़म मैनिपुलेट करके आपको जो काम की इंफॉर्मेशन है वो ला के दे देता है तो आप क्या एम को जादू बुला सकते हो एब्सोल्यूटली यस yes? सो so, एम के अंदर आपने जो डेटा स्टोर किया है उसको ही वो प्रोसेस करता है और उसमें से ही डेटा निकाल के देता है तो सीधी सी बात है जो डेटा उसके अंदर नहीं वो इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी दैट्स इट और यही है एम का चक्कर तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं एम के साथ वट आर द मेजर पॉस्टुलिट्स ऑफ एम आई एस इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय एक्सट्रैक्शन एंड मैनिपुलेशन ऑफ ऑपरेशनल डेटा जितना भी डेटा होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके मैनिपुलेट करके ये रिपोर्ट बनती है इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट्स आप प्री स्पेसिफाइड एंड फिक्स जैसा एम का फॉर्मेट है वो वही फॉर्मेट में हर रिपोर्ट बना के देता है ठीक है इन्फॉर्मेशन फॉर्म ऑफ एम आई एस इज पीरियोडिक एक्सेप्शन एंड बेस्ड ऑन डिमांड्स अगर आपको चाहिए जैसी आपकी डिमांड है तो वो आपको ला के देगा वो खुद से ला के नहीं देगा आपने बोला दस साल का सेल्स निकाल के दे देगा आपने बोला बीस साल का प्रॉफिट निकाल के दे, दे देगा और एक पीरियोडिक टर्म मतलब जैसे आपने बोला दस साल बीस साल छह महीने तो वो पीरियोडिक होती है मैस की रिपोर्ट की ये डेट से ये डेट तक येस इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी कंपनी कैसा काम कर रही है वो भी आपको एम आई एस रिपोर्ट बनाकर देती है और हमें एम आई एस से पता चलता है इट सपोज द इंटेलिजेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग अब ऑब्वियसली अगर हमें ये देख कर पता चल रहा है कि पिछले दस सालों में कुछ ज्यादा खास प्रॉफिट नहीं हुआ है ये ये रीजन की वजह से नहीं हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे हम इमीडिएट एक्शन लेंगे क्यों एक्शन ले रहे हैं क्योंकि हमने ये डिसीजन बनाया और एम आई एस का तो काम ही ये है

एम बढ़िया से छन्नी में से प्रोसेस कर, कर क्या दे देगा आपको आपके काम की इंफॉर्मेशन दे देगा यू गाइस। आपको जो टाइम पर जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो लाके दे देगा यस सो देर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ एम एक है मैनेजमेंट दूसरा है इंफॉर्मेशन तीसरा है सिस्टम्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम्स यस अरे रुको जरा सबर करो बताती हूं बताती हूं ना तो एम आई एस कोई सी पी यू है और ना ही एम आई एस कोई ऐप है एम आई एस एक सिस्टम है सिस्टम सिस्टम इसीलिए यहां पर क्या लिखा है सिस्टम लिखा है ठीक है ओके सबसे पहला एलिमेंट है मैनेजमेंट मैनेजमेंट का मतलब है दूसरों से काम करवाने की कला उसे मैनेजमेंट कहा जाता है दूसरा है इंफॉर्मेशन जब हमें काम हो अगर इतने सारे डेटा के अंदर से देखो अगर आपका कोई फाइल रूम होता और अगर आपको पिछले दस साल के सेल्स चाहिए होते आप हर साल के फाइल रूम में ढूंढते थे कि अरे ये फाइल में ये कितना सेल्स था वो फाइल में वो कितना था फिर तीसरे फिर चौथे आपका नहीं तो भी चार पाँच घंटा तो लग ही जाता ना उसमें तो एम आई एस की वजह से ये तो कुछ आपको करना ही नहीं है बस आपको उसको हुक्म करना है कि हमें दस साल का बीस साल का तीस साल का सौ साल का डेटा चाहिए वो आपको दे देगा यस सो इन एम आई एस इट इज़ ऑप्टेंड बाय प्रोसेसिंग द डेटा इन टू मीनिंग फुल फॉर्म टू द यूजर्स उसके बाद जो थर्ड एलिमेंट है वो सिस्टम है अगर एक फिजिकल सिस्टम है जैसे कि आपका कंप्यूटर उसके साथ आपका कीबोर्ड माउस लोग जो वो करते हैं सब लोग एज अ होल इसे सिस्टम कहा जाता है जिसके अंदर एप्लीकेशन भी होते हैं सब होता है तो इसे सिस्टम कहा जाता है अब आपकी क्यूरियोसिटी बढ़े उसके पहले मैं आपको बता देती कि एम बनता किस तरीके से है तो एम बनने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है अगर आपको एम का जो चीज़ है वो लगवाना है आपके कंपनी के अंदर तो आपको क्या बेसिक चीजें लगेगी एक तो आपको हार्डवेयर लगेगा हार्डवेयर का मतलब है कंप्यूटर सीपीयू, फिर माउस फिर कीबोर्ड ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर लगेगा जैसे कि ऑपरेशन सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को चलाएगा साथ में जो एप्स होनी चाहिए वो एप्स जो आपके कंप्यूटर को चलाएगी उसके साथ डेटाबेस भी तो होना चाहिए ना जो हम 10 साल 20 साल 100 साल की बात कर रहे हैं वो डेटा हमें एम के अंदर डालना पड़ता है तब जाके वो हमें इंफॉर्मेशन देता है ऑपरेशन पर्सोनल अरे भैया लोग भी तो चाहिए होंगे ना आईटी लोग आईटी के लोग चाहिए होंगे जो ये जो सब है एम का वो चला सके हमें हेल्प कर सके हमें बता सके यस yes? साथ ही और कौन लगेगा बताओ मैनुअल लगेगा प्रोसीजर लगेगा आपको पता है अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज खरीदते हैं ना उसके साथ एक यूजर मैनुअल आता है एक इंस्ट्रक्शन बुकलेट आती है कि इसको फॉलो करो और वो ऐसे ऐसे चलने लग जाएगा सो दैट इज द सेम थिंग विथ एम आई एस ऑल्सो यहाँ पर भी आपको प्रोसीजर्स लगेंगे कि कैसे चलता है एम आई एस यस ओके अब आपको भी पता है कि हमारे कंपनी के अंदर तीन लेवल्स हैं एक है टॉप लेवल जिसको आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी कह सकते हो दूसरा है मिडिल लेवल जो कि है आपका टैक्टिकल प्लानिंग और तीसरा है लोअर लेवल जो कि आपका ऑपरेशनल वाले लोग जो ऑपरेशंस में होते हैं ऑपरेशनल वाले मतलब एकदम लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट यस yes? अब जैसा जिसका इंफॉर्मेशन का नीड है वैसा ही इन्फॉर्मेशन एम आईस उनको देगा लोअर लेवल को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी क्या कर रही है कैसे कर रही है उनको उनको बस उनका जो डे डे टू काम उनको बताया जाता है वो लोग वही करते हैं तो इन लोगों को कोई खास इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है नहीं कभी कभार लगती है तो वो निकाल लेते हैं मिडिल लेवल वाले लोग इनके ऊपर आते हैं लेकिन इनके नीचे आते हैं तो इनकी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन नीड्स हो सकती है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स या हाईफाई टाइप की नहीं होती है नॉर्मल टाइप की होती है तो वो एम आई एस से वैसी इंफॉर्मेशन मांगते हैं अब जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, अरे ये तो कंपनी के करता हरता है ना यही तो कंपनी चला रहे हैं तो इनके जो डिसीजंस होंगे वो कैसे होंगे फ्यूचरिस्टिक होंगे तो इनको जो इंफॉर्मेशन चाहिए होगी एम आई एस से वो भी कैसी होगी कॉम्प्लेक्स होगी बूम ऐसी टाइप की होगी है ना क्योंकि दीज पीपल आर द स्ट्रेटेजिक प्लानर्स ऑफ आर कंपनी यस yes. तो हर एक लेवल की इंफॉर्मेशन नीड अलग 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 है यस yes. तो ऐसे ही हर लेवल के लोगों के लिए एम के पास उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए सब चीजें हैं समझ आया ओके okay. अब एम के कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है यू एम आई कोई सॉफ्टवेयर नहीं है या कोई एप नहीं है ऑफ कोर्स इट इज अ सॉफ्टवेयर वी नॉट से दैट एम आई एस कुछ ऐसा कुछ तो रैंडम है ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप इमेजिन कर सकते हो जो अगर आपने खोला और आपने सारा डेटा डाला तो फिर वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा लेकिन एम आई एस सिर्फ सॉफ्टवेयर से नहीं होता उसके लिए आपको प्रॉपर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा बेस सबसे ज़्यादा मेन है वो भी लगता है लोग लगते जो एम आई एस को चलाए और मैनुअल भी लगता है है ना तो पर क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है एम आई एस का कि जो वो उसको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम देते हैं एक तो वो कॉम्प्रिहेंसिव है मतलब पूरे कंपनी के अंदर हर एक कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने उनके लैपटॉप के अंदर डाली उनके मेमोरी के अंदर डाली वो सबके इसमें दिखने लग जाएगी ऐसा नहीं कि वो सिर्फ उनके इसमें ही रहे अगर एक बार उन्होंने एम पे डाल दिया तो सब वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे येस yes? और ये कोऑर्डिनेटेड है कोऑर्डिनेटेड का मतलब है एम आई एस इज़ लिंक्ड विथ ईच अदर एवरी कंप्यूटर इज़ लिंक्ड एवरी सिस्टम इज लिंक्ड विथ वन अदर ये वेल well इंटीग्रेटेड है हर एक इससे ये जुड़ा हुआ है इसकी अलग अलग सब सिस्टम्स है जैसे हमारे लिए ऐसा होता है कि सी एस है सी एस के अंदर तीन लेवल्स है तीन लेवल्स के अंदर और दो लेवल्स है और दो लेवल्स के अंदर और चार सब्जेक्ट्स है और चार सब्जेक्ट्स के अंदर और बीस चैप्टर्स है तो ऐसे 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 सबकी सब, सब सिस्टम्स है ऐसे सेम एम की भी अलग अलग सब सिस्टम्स होती है एम का बेसिक काम क्या है कि वो डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देता है इन्फॉर्मेशन में वो हमें क्या देता है अरे इन्फॉर्मेशन देता है ना डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देता है इससे क्या होगा अरे दीदी -दी, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी हम और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे हमें थोड़ा ईज ऑफ वर्क मिल जाएगा यस yes? और ये आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ही देता है आपने अगर उससे सेल्स मांगा है तो वो आपसे सेल्स ही देगा आपने उससे प्रॉफिट मांगा है तो वो आपको प्रॉफिट ही देगा यस इट कन्फर्म्स टू मैनेजर्स स्टाइल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजर के स्टाइल और कैरेक्टरिस्टिक के साथ भी वो मैच होता है जैसा वहाँ का सी या एम होगा वैसा ही वो एम सिस्टम उसने उसके अकॉर्डिंग बनवाया होगा यस yes? क्योंकि ज्यादा किसके काम आने वाला है टॉप मैनेजमेंट के काम आने वाला है यूजेस एस्टैब्लिश क्वालिटी क्राइटेरिया कभी भी हैक हो गया कभी भी उसमें गड़बड़ी हो गई ऐसा कुछ नहीं होता क्वालिटी uh, क्राइटेरिया होते हैं कुछ जिसको वो uh, अच्छे से आई वुड से पार कर देता है यस yes? आप उसमें फीडबैक भी दे सकते हो कि अगर आपको कोई चीज नहीं जम रही है कुछ ऐसा है जो आपको कुछ और चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो बट एम आई एस इज़ नॉट ऐट ऑल फ्लेक्सीबल हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे दो तीन साल हो गए अब हमें एम आई एस हमारा बदल देना है अब हमें कुछ और टाइप का रखना है नहीं ऐसा नहीं होता एम आई एस आप इतने ईजीली चेंज नहीं कर सकते हो और ये मॉड्यूलैरिटी होती है मॉड्यूलैरिटी का मॉड्यूलैरिटी का मतलब है इसके अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं जैसे आपके मॉड्यूल्स हैं अभी आपका एक दो ही मॉड्यूल होगा लेकिन इसके अलग अलग मॉड्यूल्स है इसके अलग अलग सब पार्ट्स है इसके और अलग अलग फर्दर सब पार्ट्स है ऐसे करके इसको बोलते हैं मॉड्यूलारिटी ये ऑब्वियसली अभी के टाइम में एम आपको कंप्यूटराइज ही मिलेगा विदाउट कंप्यूटर अभी एम इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो इतना इफेक्टिव ही नहीं होगा एंड सिलेक्टिव शेयरिंग ऑफ डेटा इज ऑल्सो पॉसिबल सपोज मुझे चाहिए कि जो ये सेम चीज़ है वो ना राज सिंह को ना मिले राज सिंह को ये हमारा ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो ये इन्फॉर्मेशन हमको राज सिंह के साथ और चार लोगों के और अलग के साथ शेयर नहीं करना है तो एम वो भी हमें की फीचर देता है यस yes? अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा कि आपको यह याद है कि एमआईएस का फुल फॉर्म क्या है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम्स, यस बेसिक रिक्वायरमेंट्स याद है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटाबेस ऑपरेशंस पर्सनल और प्रोसीजर्स अभी हमने जब एमआईएस की इतनी सारी बातें कर ली इतनी तारीफ कर ली जरूर दीदी दी। जरूर इसमें कोई ना कोई नुक्स तो होंगे ही तो क्या हमें देखना है कि क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जो एम के अंदर है यस yes. तो सबसे पहला ड्रॉबैक है द क्वालिटी ऑफ आउटपुट ऑफ एम इज बेसिकली गवर्न बाय द क्वालिटी ऑफ इनपुट ऑफ एम अगर आज आपने दाल बाटी चूरमा खाया है या फिर अगर आज आपने कुछ बहुत ही तीखी चीज़ खाई है तो कल सुबह जब आप जाओगे नेचर्स कॉल के लिए तो निकालने भी वैसा ही कुछ वाले हो, ऐसा तो है नहीं समझ गए ना जैसा आप खाओगे वैसा ही आप निकालोगे सेम गोज़ विद एम आई एस जैसा डेटा आप उसके अंदर फीड करोगे वैसा ही आउटपुट भी वो आपको देगा सबस्टिट्यूट फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट आप ये नहीं बोल सकते अरे हमने तो हमारे कंपनी में भैया एम आई एस लगवा लिए अब तो हमें कुछ टेंशन ही नहीं है ऐसा नहीं होता डिसीजन आपको ही लेने हैं एम आई सिर्फ एक टूल है जिससे आपका जो डिसीजन है वो आप इजीली ले सको एम आई एस में नॉट हैिटी टू क्विकली अपडेट आप उसको अपडेट नहीं कर सकते जैसे आपके फोन में अपडेट आते हैं ना एम आई एस में से अपडेट नहीं आते हैं विथ चेंजिंग टाइम्स इट्स अट डिफिकल्ट टू यू नो केटर टू एम आई एस क्योंकि एम आई एस इतना फ्लेक्सीबल नहीं है एम आई एस के नॉट प्रोवाइड टेलर मेड इन्फॉर्मेशन पैकेजेस ये आपको हर पर्सन के लिए अलग इन्फॉर्मेशन पैकेज बना के नहीं दे सकता है पूरे कंपनी का एक ही पैकेज है लेना हो तो लो नहीं तो रहने दो यस yes, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग बनता है जो कंपनी के टॉप लेवल के लोग हैं उनके अकॉर्डिंग बनता है एम आई स्टेक्स इन टू अकाउंट मेनली क्वान्टिटेटिव फैक्टर्स दर इग्नोरिंग द नॉन क्वानिटेटिव फैक्टर्स देखो अभी सपोज दो लोग कौन दो लोग है? एक है अंशिका और दूसरी है प्राची ठीक है अंशिका और प्राची मैं अच्छा नहीं अंशिका और वूत ले लेते हैं चलो कौशल ले लेते अंशिका है और कौशल है अब मैं बोलती हूं कि अंशिका दस दिन में से सिर्फ पांच ही दिन क्लास अटेंड की है लेकिन कौशल आउट ऑफ़ डेज़ क्लास अटेंड किए ऐसा मैंने MIS के अंदर डाला कि बताओ कौन अच्छा स्टूडेंट है तो उन्होंने मुझे बताया कि कौशल अच्छे स्टूडेंट है क्योंकि कौशल टेन ऑन टेन डेज आए हैं लेकिन क्या एम आई एस ने कौशल का नेचर और अंशिका का नेचर एक मतलब ऐसा मैच किया क्या हो सकता है अंशिका भले ही पाँच दिन आई है लेकिन उसने सारी प्रिपरेशन कर ली है वो उसके सारे फ्रेंड्स लोगों को हेल्प करती है उनको गाइड करती है आप ऐसा कर सकते हो वैसा कर सकते हो जब भी वो क्लास अटेंड करती तो अच्छे से ध्यान दे के करती है ये सारी चीज़ें तो एम ने उसके अकाउंट में ही नहीं ली ऐसे ही सेम कौशल बहुत ही एरोगेंट है बहुत ही रूड है वो बस क्या करते क्लास चालू कर देते और बैठे रहते कि ठीक है चलो और फिर ना पता है और क्या करते हैं वो सब लोगों को चढ़ाते हैं सॉरी कौशल बट मैं बस एक एग्जाम्पल के लिए ऐसा बोल रही हूँ ठीक है दिल पे मत लेना इसीलिए मैंने एक बॉय का एग्जाम्पल लिया क्योंकि बॉयज को थोड़ी बहुत मस्ती चल जाती है है ना ओके okay. तो क्या होता है कि एम आई एस ने क्वान्टिटेटिव फैक्टर्स लिए लेकिन नॉन क्वान्टिटेटिव नहीं लिए हमें फिर जाके पता चला कि अंशिका एक्चुअल में सिंसियर थी और कौशल एकदम ही मस्ती कोर थे तो एक्चुअल में अंशिका ने ज़्यादा पढ़ाई की है और कौशल ने कुछ पढ़ाई नहीं की है बट एम ने तो पूरा उल्टा ही बता दिया तो ऐसी सेम चीज़ दो एम्प्लॉयज़ के बीच में भी तो हो सकती है ना यस और नो ओके फॉर मेकिंग नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग अगर ऐसा कोई डिसीजन है इफेक्टिवनेस ऑफ एम आई एस इज रिड्यूसड इन दर्गेनाइजेशन जहां पर ऐसा कल्चर है कि हम ये इंफॉर्मेशन हमारे पास ही रखेंगे किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे आपको पता है बहुत सारी कंपनी में क्या होता है वहां पर ना इगो होते हैं ये रियलिटी है और ये मैंने देखा है खुद से ठीक है जो टॉप टॉप लेवल वो खुद के पास ही रखेगा वो खुद के ही पास रखेगा एस के अंदर वो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ही नहीं है तो दूसरे वाले को मिलेगी कैसे यस yes, तो ये वाले केस में क्या हो जाता है जो एम की प्रोडक्टिविटी है या इफेक्टिवनेस हो जाती है

टॉप लेवल के लोग है वो चेंज हो रहे तो अगर इतना चेंज होगा इतना फास्ट चेंज होगा तो एम की प्रोडक्टिविटी ऐसी ही कम हो जाएगी इफेक्टिवनेस ऐसी ही कम हो जाएगी क्योंकि हमने तो पहले वाले एमडी को ध्यान में रखते हुए उनके अकॉर्डिंग एम को बनाया था अब वही निकल दिए तो अब दूसरे को कितना प्रॉब्लम होगा दूसरे के जो मैनेजिंग स्टाइल है उसके साथ वो एम मैच भी तो होना चाहिए ना अच्छा चलो अभी आपको पता होगा कि एम में ना बस डेटा 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 हमको ऐसा डाल देना पड़ता है लेकिन अभी मैं आपको बताती हूं कि एम की रिपोर्ट एक्चुअल में दिखती कैसे सबसे पहले तो हम लोग मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम डेटा किस में डालते हैं ये एक्सेल शीट है एक्सेल शीट के अंदर इतना सारा बस आप डेटा लिख 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 कर डाल रहे हो येस yes? बिल्कुल अच्छा नहीं है ये पढ़ने के लिए लेकिन जब एम पूरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर लेता है वो आपको ऐसी सुंदर सी रिपोर्ट बना के देता है सो दिस इज द सेल्स सेल्स रिपोर्ट मंथली टारगेट कंप्लीशन ईयरली टारगेट कंप्लीशन सारे टारगेट्स लिखे हुए हैं, सब कुछ लिखा हुआ है यस yes? इतने अच्छी तरीके से लिखा है येस और नो येस यू गाइस सो दिस इज कॉल्ड एज एन एम आई एस रिपोर्ट ये सेल्स रिपोर्ट है एम आई एस की और एक रिपोर्ट बताती हूँ दिस इज ऑल्सो एम आई एस रिपोर्ट इसमें कंपनी का एनुअल ग्रॉस प्रॉफिट का तीन साल का कंपेरिजन बताया हुआ है नेट प्रॉफिट कितना है सेल्स कितना है ये सब चीजें बताई हुई है बढ़िया सुंदर सुंदर डायग्राम बनाकर वो लोग क्या करते हैं हमें रिपोर्ट देते हैं सो दैट्स अबाउट इट आपको मैंने पढ़ने के लिए सब कुछ पढ़ाया है लेकिन याद आपको सिर्फ एक ही चीज रखनी है एम आई एस का फुल फॉर्म जल्दी से बता दो क्या है वॉट डू यू मीन बाय एम आई एस अरे सच बता रही हूं आपको ऐसा आएगा क्वेश्चन वट इज द फुल फॉर्म ऑफ एम आई एस क्या लिखोगे आप वेरी गुड वेरी गुड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन एंड सिस्टम्स यस अच्छा दूसरा क्वेश्चन बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है एम की इसके लिए आपको क्या क्या लगेगा हार्डवेयर लगेगा सॉफ्टवेयर लगेगा डेटा लगेगा ऑपरेशन पर्सनल भी तो लगेंगे और प्रोसीजर्स लगेंगे यस yes? अच्छा एम करता क्या है क्या करता है एम जितना भी डेटा है कंपनी का उसको प्रोसेस करता है और हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन हमें जो टाइम पे चाहिए जितने टाइम की चाहिए वो हमें ला के दे देता है यस यू गाइज आर वी क्लियर ऑन दैट इट ट्रांसफॉर्म्स डेटा इंटू इंफॉर्मेशन दिस इज द बेसिक वर्क ऑफ एम आई एस येस आ वी गुड टू गो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही रहने देते हैं है ना आज के लिए बहुत हो गया अब हम लोग डायरेक्टली कल करते हैं नया टॉपिक नया दिन क्या इतना आपके लिए क्लियर है चलिए ठीक है कल से हम लोग ई करस्पोंडेंस चालू करने वाले हैं अभी तक के हम लोगों ने जितना भी पढ़ा दैट वॉज बिजनेस करस्पॉन्डेंस आज की क्लास में जितना भी पढ़ा है एक बार क्विकली रिवाइज़ कर लेते हैं ठीक है आज हम लोगों ने ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा है सिर्फ एक बिजनेस रिपोर्ट्स पढ़ा है वाडा बिजनेस रिपोर्ट्स दे आर नथिंग बट रिपोर्ट्स जो कि बिज़नेस में हम लोग यूजुअली यूज करते हैं जिसमें एक इवेंट का डिस्क्रिप्शन रहता है कि जो जो चीज़ें हो चुकी है इट्स ऑल्सो रेप्रजेंटेशन आप इसकी एक डेफिनेशन भी याद कर सकते हो इट्स अ रेप्रजेंटेशन ऑफ द इवेंट दैट हैज ऑलरेडी बिन हैपेंड और उसकी सारी चीज़ें वहां लिखी हुई होती है फिर बिजनेस में बिजनेस रिपोर्ट में चार एलिमेंट होते हैं ये हमने देखा था एक हमने मेमोरेंडम देखा था ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि रूटीन नेचर के काम के लिए हम लोग यूज करते हैं दूसरा हमने ऑफिस सर्कुलर देखा जो कि हम लोगों को अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बहुत सारे एम्प्लॉइज को शेयर करनी है तो हम ऑफिस सर्कुलर्स का यूज करते हैं ऑफिस ऑर्डर देखा था ऑफिस नोट्स देखा था और अभी अभी हम लोगों ने एम देखा एंड दैट्स अबाउट इट आई होप आपको सब कुछ क्योंकि अभी मैंने करवाया है तो क्लियर ही होगा यस किसी का तो भी सिक्स पॉइंट ओके सिक्स पॉइंट ये है एम आई एस इज़ लेस यूजफुल फॉर मेकिंग नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग अब ऐसे जो डिसीजनस है जो कि डिपेंड ही नहीं करते एम आई पे जैसे ये ज़्यादा लॉयल है एम्प्लॉय या ये एम्प्लॉय ज़्यादा लॉयल है ये एम कैसे बताएगा ये तो एक फीलिंग है ना लॉयल्टी इज अ फीलिंग ऑनेस्टी इज अ फीलिंग जो सिर्फ हम एज अ ह्यूमंस ही कर सकते हैं हम ही बता सकते हैं तो एम आई ऐसे सारे डिसीजन के लिए हमें कुछ भी काम नहीं आएगा अच्छा किसका नेचर ज्यादा अच्छा है माही का नेचर ज्यादा अच्छा है या फिर श्रुति का नेचर ज्यादा अच्छा है ये एम आई एस नहीं बता सकता है यस ऑल राइट एवरीवान सो विद We are done with today's session. Thank you so much for joining in. Have a very good night ahead. Bye bye. Take care. Aujo. See you. Don't forget to like the video and leave a pyari pyari comment of yours in the comment section. kyunki fir kal hum log wo sare students ka example lenge jinhone comment kiya tha It's as simple as that. Okay then. Bye bye. Take care. Aujo. लेकिन on a serious note, अगर आपको कोई question है या कोई doubt है, तो आप वो मुझसे comment section में comment करके पूछ सकते हैं. ठीक है? Bye bye see you aao jo